नमस्कार, मैं हूं प्रमोद शर्मा और आज पहली बार सोशल मीडिया के जरिए आपसे संवाद हो रहा है। देश की सबसे बड़ी पार्टी यानी बीजेपी संसद में कोई कानून बनाए और उस पर हंगामा ना हो संभव ही नहीं है, क्योंकि ये देश सियासत के नारों की झूठन पर पलता है। ये इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि देश के अंदर जो हो रहा है, जो बवाल हो रहा है देश के अंदर, जो सियासत हो रही है, एक वोट बैंक की राजनीति हो रही है, ये मुझे लगता है कि किसी भी नज़रिए से ठीक नहीं है। ये देश के लिए हमेशा घाटे का सौदा रहा है और घाटे का सौदा रहेगा, क्योंकि इसमें देश हित तो बिल्कुल ख़त्म ही हो जाता है। हर कोई अपनी वोट बैंक बटोरने के चक्कर में बैठा रहता है और सोचता है कि कौन सा ऐसा मुद्दा है जो उठाया जाए और उसके लिए पब्लिक के वोट बैंक को अपने अकाउंट में डाला जाए। लेकिन मुझे लगता है कि पब्लिक भी आज के समय में इतनी पागल नहीं है, समझ चुकी है वो कि कौन क्या कर रहा है और क्या करना चाहता है और क्या देश के लिए करना चाहिए। क्योंकि अब से 20 साल पुरानी राजनीति में जाए और आज की राजनीति में जाए तो काफ़ी फर्क है, क्योंकि हर कोई जानता है, बच्चा बच्चा जानता है। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा आज का देश में यही है कि एक तो JNU जल रहा है। क्यों? क्योंकि गंदी राजनीति हो रही है, सियासत हो रही है। दूसरी बात, देश में नागरिक संशोधन बिल पास हुआ, उसे लेकर क्या हुआ पिछले दिनों आपने देखा ही होगा। देश की करोड़ों की संपत्ति सुहा कर दी गई, आगजनी हुई, अब तोड़फोड़ हुई, मारपीट, गोली ओचे, दुनिया भर की ये सब चीज़ें सामने आई। तो मुझे लगता है कि ये देश के लिए एक संवाद पब्लिक से हो जाना चाहिए। मैं भी एक पत्रकार होने के नाते आपसे सिर्फ यही गुजारिश करूंगा कि देश की राजनीति के लिए अपनी राय ज़रूर दें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें इस चीज़ के लिए कि हमारा ये संवाद आपसे कैसा रहा। और आज के समय में जो सबसे गर्म मुद्दे हैं वो JNU और CAA है, क्योंकि नागरिक संशोधन बिल जब पास हुआ तो हंगामा जमकर हुआ संसद के अंदर। कोई बोलता, कोई विपक्ष बोलता आर्टिकल 14 का इसके अंदर उल्लंघन किया गया है, बोलेगा कि मुसलमानों को क्यों नहीं लिया गया है और तमाम देश हैं जहाँ से शरणार्थी आते हैं उन्हें क्यों नहीं लिया गया है। हालांकि गृह मंत्री ने इस चीज़ का जवाब भी सबको दिया संसद के अंदर, लेकिन भी सेटिस्फाई हुआ कोई नहीं हुआ। तो मुझे लगता है कि हर कोई तो सेटिस्फाई होगा भी नहीं, क्योंकि सबकी अपनी विचारधारा है। लेकिन मुझे लगता है देश के हित में सबकी विचारधारा एक सी होनी चाहिए, सबकी यही विचारधारा होनी चाहिए कि जिससे देश बचा रहे, देश के अंदर गंदी राजनीति ना हो लोगों को, क्योंकि राजनेता राजनीति जरूर करते हैं, जो इसका जो फल भोगना पड़ता है वो जनता को भोगना पड़ता है। क्योंकि कोई किसी के पास इतना पैसा है कि वो राजनीति में बाहर आया, किसी के पास इतना भी नहीं है कि वो दो टाइम की रोटी भी खा ले। हर तरह का संकट इस देश के अंदर है। और जब जहाँ तक सवाल शरणार्थियों का है, अभी भी आज़ादी के बाद से अपने आप को नागरिकता ना मिलने का दंश झेल रहे हैं, किसी के पास रहने के लिए घर नहीं है, कोई सुविधा नहीं उन्हें मिलती है, कुछ नहीं हो। तो दूसरी बात, एक घुसपैठे वाला NRC का मुद्दा छोड़िए, खैर वो तो अभी लागू नहीं हुआ, लागू होना है तो उसके बाद में संवाद किया जाएगा। मुझे लगता है कि अभी सबसे पहले CAA यानी कि नागरिक संशोधन बिल, सिटीजन एनवायरमेंट बिल पर ही मुझे लगता है कि चर्चा हो जानी चाहिए। संसद में नागरिकता संशोधन बिल पर बहस के बीच विपक्ष ने आर्टिकल 14 का हवाला देकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा और साधता रहा, मुझे लगता है आज भी साध ही रहा है। निशाना सिर्फ इस बात को लेकर था कि नागरिक संशोधन बिल में बाकी देशों के शरणार्थी और मुसलमानों को क्यों नहीं लिया गया और आर्टिकल 14 का इसमें उल्लंघन हुआ है। इसके लिए हंगामा बरपा, काफ़ी बात हुई, तोड़फोड़ हुई, आगजनी हुई, सब कुछ हुआ देश के अंदर जो नहीं होना चाहिए था। क्योंकि इसमें मुझे लगता है कि अगर आप इस संशोधन बिल को सही ढंग से पढ़े तो इसमें आपको हंगामा करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। क्योंकि हालांकि गृह मंत्री जी ने संसद में सबको जवाब दिया इसका और सबने इस चीज़ को देखा भी, बात भी हुई है सब चीज़ें लोगों की, और अब मुझे लगता है बीजेपी जगह जगह जाकर लोगों को इसके बारे में समझा भी रही है। मुझे लगता है बीजेपी को ये काम पहले समझा देना चाहिए था, बाद में बिल को पास करते तो ज़्यादा बेहतर होता, लोग इसको समझ पाते। अब बात इसी चीज़ को लेकर आती है कि इसमें आर्टिकल 14 का उल्लंघन हुआ है। आर्टिकल 14 का उल्लंघन कैसा हुआ ये भी मैं आपको बताऊँगा। लेकिन दूसरी बात इसमें यह हुआ कि आपने इसमें मुसलमानों को क्यों नहीं रखा, इसका मतलब यही है। गृहमंत्री ने भी जैसे कि कहा था कि 3 देशों की माइनॉरिटी को इसके अंदर लिया गया है, जिसमें आप पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान।
और इसमें एक क्लास को ले रहे हैं, ये वो क्लास है जो प्रताड़ना का शिकार हुए हैं, उनके धर्म को खतरा है, तो उन्हें हर तरह से उनकी महिलाओं को खतरा है, उनके साथ आए दिन धर्म परिवर्तन हो रहे हैं विदेशों में जहाँ जहाँ वे रह रहे हैं, मतलब जो आप इन तीन मुल्कों में जहाँ से हम इन सिटीजन को ले रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए मुझे लगता है कि बिल पास किया गया देश के अंदर, और इसका जहाँ तक है कि लोगों को फ़ायदा भी होगा ऐसा नहीं है ये बिल, और लेकिन विपक्ष को ये बात पच नहीं रही है। विपक्ष बोलता है कि आर्टिकल 14 का इसमें उल्लंघन हुआ, लेकिन सवाल उठाता रहा ये इतनी बड़ी तोड़फोड़ होगी, संसद से सड़कों तक हंगामा पहुंच गया, लाखों करोड़ों की संपत्ति आग में झोंक दी गई, तोड़फोड़ की गई, और विपक्ष रहस्य कसर विपक्ष ने इसलिए पूरी कर दी क्योंकि विपक्ष इस चीज़ को जनता को समझा ही नहीं पाया। सिर्फ वोट बैंक के चक्कर में क्या होगा, इसका विरोध जरूर करता रहा, और इस विरोध के चक्कर में लोगों के मन में जो लोगों की मेंटेलिटी जो चेंज हुई वो इसीलिए करके हमारे साथ अन्याय हो रहा, मुसलमानों ने सिर्फ यही सोचा कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, लेकिन मुझे लगता है इसमें मुसलमानों के साथ कोई अन्याय नहीं है जो हमारे देश के अंदर माइनॉरिटी में रह रही है। दूसरी बात, आर्टिकल 14 का उल्लंघन है लेकिन सरकार कहती है कि रीजनेबल कानून अगर कोई बनाया जाए देश के अंदर आर्टिकल 14 का उल्लंघन नहीं होता। हालांकि सरकार का यह भी तर्क रखा देश में विभाजन धर्म के आधार पर हुआ, यानी कि जिस बिल में असमानता हो वो बिल आप देश संसद के अंदर नहीं बना सकते, लेकिन इस बिल में असमानता नहीं थी क्योंकि चार धर्म से जुड़ा हुआ मामला था, क्योंकि चार धर्म के लोगों को देश के अंदर, चार पाँच धर्म के लोग जो भी हैं उनको मान्यता देश के अंदर दी जा रही है, तो ऐसा मुझे लगता है कि नहीं होना चाहिए, आर्टिकल 14 इज मार्डे नहीं आना चाहिए। हाँ, अगर एक जाति के लिए ये कानून बनता तो इसमें आर्टिकल 14 जरूर आड़े आता, जैसा कि गृह मंत्री ने बताया भी संसद में। आगे फिर बात आती है देश का विभाजन, क्योंकि ये तो सभी जानते हैं देश का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ, और बीजेपी ने भी ये बताई, तो सरकार का भी यही कहना है कि देश जब विभाजन धर्म के आधार पर होता है तो उसे स्वीकार करे बिना देश आगे नहीं बढ़ सकता। जब देश का बंटवारा हो उस वक्त ये तय किया गया था कि जिस हिस्से में मुसलमान ज़्यादा है उस हिस्से का नाम पाकिस्तान रख दिया गया, और भारत का बचा हुआ हिस्सा भारतीय संघ के नाम से विस्थापित हुआ, जो बाद में हमारा देश भारत है। आगे चलकर पाकिस्तान में पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान बना, जो बाद में बांग्लादेश बना, लेकिन बीच में एक गंभीर समस्या लगातार आती रही जो थी दोनों देशों के शरणार्थी का आना जाना, मारकाट, बलात्कार, लूट, सिलसिला ये जारी रहा, काफ़ी सारे परिवारों में इनकी यातना को काफ़ी सारे परिवारों ने इस यातनाओं को झेला है और अब तक झेला है, क्योंकि अगर उनको यहाँ पर मान्यता नहीं मिली, बिना मान्यता के देश के अंदर रह रहे, बिना सुविधा के रह रहे, तो आप जान ही सकते हैं कि और कैसे उन्होंने ये जीवन काटा। खैर वो तो वही जानते हैं, हर किसी का दर्द मुझे लगता है यही कहना चाहिए, हर किसी के दर्द को देख कर यही कहना चाहिए कि उन्हें मान्यता मिलनी चाहिए थी, क्योंकि वे उन देशों के लिए माइनॉरिटी हैं और हमारे देश के लिए माइनॉरिटी नहीं है। 8 अप्रैल 1950 को दिल्ली फैक्ट यानी नेहरू लियाकत समझौता, उस समझौते के तहत यह निश्चित किया गया, यह निश्चित किया गया कि दोनों देश अपने अपने अल्पसंख्यकों का ध्यान रखेंगे, अल्पसंख्यकों का ध्यान रखेंगे, पाकिस्तान भी रखेगा, उसके बाद में बांग्लादेश बना। ये दोनों देशों की सरकारों ने एक दूसरे को विश्वास दिलाया था कि पाकिस्तान के अंदर जो हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, क्रिश्चियन, पारसी हैं उनका ध्यान पाकिस्तान रखेगा, और जहाँ पर भी जो माइनॉरिटी मुसलमान, पारसी और क्रिश्चियन हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, उनका ध्यान भारत रखेगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, 1950 का नेहरू लियाकत समझौता उस समय पर फेल हो गया। अब हमें यह भी ध्यान देना होगा कि जिन तीन देशों में लघुमती को नागरिक बनाने का वादा इस बिल की ओर से किया जा रहा है, उन तीन देशों को संवैधानिक स्टेटस क्या कहता है, वहाँ का संविधान क्या कहता है उसके लिए। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान अनुच्छेद 2 में कुछ प्रावधान किए गए हैं जिसमें पवित्र धर्म इस्लाम है, यानी इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान का धर्म इस्लाम है, मतलब वहाँ पर इस्लाम को राज्य का धर्म के रूप में मान्यता दी गई है। दूसरा, रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान अनुच्छेद 2 में लिखा गया है कि पाकिस्तान राज्य का धर्म इस्लाम होगा। बांग्लादेश जब बना तो उसका संविधान सेकुलर था, 1977-1988 में भी उसमें बदलाव किया गया और इसमें लिखा गया कि रिपब्लिक का राज्य धर्म इस्लाम है, यानी इन तीन देशों का अंदर राज्य धर्म इस्लाम। इन तीन देशों में संविधान धर्म
के बारे में बताना इसलिए भी जरूरी है कि वहाँ की माइनॉरिटी को न्याय मिलने की संभावना इसी से करीब करीब समाप्त हो जाती है। लेकिन इससे पहले ये दोनों तथ्य बताने के बाद कुछ आगे बताना बहुत जरूरी है जो उसके बाद 40 और 50 साल के अंदर हुआ। अब सुन लेना है, ये मतलब मुझे लगता है कि ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है और सभी को मुझे लगता है सुन लेनी चाहिए। 1947 में पाकिस्तान के अंदर अल्पसंख्यकों की आबादी 23% थी और 2011 में 23% से कम होकर 3.7% रह गई। क्या कहाँ गई, सवाल है। बांग्लादेश में 1947 में अल्पसंख्यकों की आबादी 22% थी जो 2011 में कम होकर 7.8 यानी कि 7.8% हो गई। कहाँ गए, खड़े होते हैं सवाल। अब सवाल ये भी खड़ा होता है कि आखिर ये लोग कहाँ गए। या तो उनका धर्म परिवर्तन किया गया, या भारत में आए, या मार दिए गए, या प्रताड़ित कराकर भगा दिए गए। उनके साथ जो भी कुछ हुआ, क्यों हुआ, आखिर उनका दोष क्या था, ये तो मुझे लगता है कि बताना चाहिए। अब भारत के संविधान पर आता हूँ। कोई कहता है हिंदू राष्ट्र बनने जा रहा है, कोई कहता है भारत संविधान पक्षपात कर रहा है, भारत का संविधान पक्षपात कर रहा है। चलिए समीकरण भी आपको बताते हैं। मुझे लगता है कि ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, राष्ट्रवाद ये तो बाद की बात है। इंसानियत अगर है तो मुझे लगता है कि देश बहुत आगे जा सकता है, ऐसी बात नहीं है। भारत के अंदर 1951 में 84% हिंदू था जो 2011 में 84% से घटकर यानी 79 यानी 79% रह गया। मतलब यहाँ पर आबादी नहीं बढ़ी यहाँ पे हिंदुओं की। 1951 में भारत में मुसलमान 9.8% था जो आज 14.23% है। यानी इससे साफ है कि किसी के साथ धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया गया भारत के अंदर। साफ है क्योंकि आंकड़ा बता रहा है। लेकिन धर्म के आधार पर पड़ोसी मुल्क में वहाँ के अल्पसंख्यकों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, प्रताड़ना हो रही है, जिसका ताज़ा सबूत पड़ोसी मुल्क में सिखों की पवित्र नगरी ननकाना है। गुरुद्वारे पर हमला किया गया, एक सिख युवक की हत्या कर दी गई, एक सिख लड़की का अपहरण करके जबरन धर्म परिवर्तन किया गया। ऐसे में भारत को मूकदर्शक बनकर नहीं रहना चाहिए। इस बिल पर उनका बचाव हो रहा है और मुझे लगता है कि उनका सम्मान, ऐसे लोगों का सम्मान भी इसमें होगा। शर्म आनी चाहिए मुझे लगता है इस पर पाकिस्तान को, अगर उसके देश के अंदर ऐसा हो रहा है। क्योंकि हमारे देश के अंदर मुसलमान बिल्कुल एकदम शांतिपूर्ण और शांति से रह रहा है। मुझे लगता है कि मुसलमानों को यहाँ पर किसी तरह की कोई दिक्कत भी नहीं है, सभी भाईचारा आपस में कायम है, एक दूसरे का साथ देते हैं, एक दूसरे मिलकर काम करते। तो मुझे लगता है इससे अच्छी बात और कुछ हो भी नहीं सकती। लेकिन जहाँ तक सवाल राजनीति का, तो राजनीति इस पर होती रहती है। हर कोई अपनी रोटियाँ सेकता है कि कोई मुस्लिम वोट बैंक पर जीता है, कोई दलित वोट बैंक पर जीता है, कोई हिंदुत्व के सहारे जीता है। वो अलग अलग सबकी अपनी पॉलिटिक्स है। मुझे लगता है उसमें नहीं पड़ना चाहिए, हमेशा अपना वोट वहीं देना चाहिए जहाँ से इंसान सेटिस्फाई हो। कोई नहीं, राजनीतिक पार्टियाँ हैं, देखो देश को राजनीतिक पार्टियाँ चलाएंगी, लेकिन जनता का मत जो होता है वो एक सजेशन होता है कि देश को किस राह पर जाना चाहिए। इसी के लिए लोग अपना वोट भी करते हैं कि उन्हें किसी तरह हर तरह की सुविधा मिले, किसी तरह की कोई दिक्कत ना। अब आर्टिकल 14 का मतलब समझिए आप लोग। आर्टिकल 14 में कहा गया है कि समानता का अधिकार जिसमें ना हो, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, ऐसे कानून को संसद नहीं बना सकती। ये ठीक है, लेकिन ये किसी क्लास के लिए नहीं हुआ, ये माइनॉरिटी के लिए हुआ है जिसमें हिंदू, सिख, पारसी, क्रिश्चियन, बौद्ध, जैन है, जो कि मैं आपसे पहले ही बताया। जैसे मैंने आपको, अगर इसमें किसी एक जाति के लिए करते तो आर्टिकल 14 जरूर आ गया था। लेकिन जब प्रताड़ित माइनॉरिटी की प्रोटेक्शन के लिए कानून संसद में बनते हैं तो आर्टिकल 14 का कहीं भी वायोलेशन नहीं होता। और इतना ही नहीं, बहुत से ऐसे कानून हैं, अगर आर्टिकल 14 के आधार पर ऐसे कानून नहीं बन सकते तो माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के लिए कानून कैसे बना। अब मुझे लगता है ये संसद में गृह मंत्री ने भी याद दिलाया था, तो इसकी जवाबदेही होनी चाहिए। मुझे लगता है विपक्षियों को भी इस बारे में सोचना चाहिए कि ये बिल किसी के साथ वायोलेशन नहीं करता, बल्कि उन प्रताड़ितों के लिए ये बिल एक भाव है जो इन तीन देशों के अंदर प्रताड़ित है। और जो प्रताड़ित है वो शरणार्थी है, जो शरण में आता है वो घुसपैठिए नहीं। जिसे साफ हो जाता है कि ये बिल ना तो आर्टिकल 14, ना आर्टिकल 21, ना आर्टिकल 25 किसी का वायोलेशन नहीं करता। संविधान की दृष्टि से ये बिल्कुल ठीक है। ऐसे में ये साफ है कि
सरकार के पास कोई रेफ्यूजी पॉलिसी भी नहीं है। भारत सरकार ये तय कर सकती है कि वो सारे रेफ्यूजी को शरण दे, क्योंकि हिंदुस्तान का कानून अपने आप में सफिशियंट है और हिंदुस्तान का कानून अपने आप में मजबूत है। अब सवाल विपक्ष का है, छोटा सा है। लोकसभा में विपक्ष का एक तर्क ये रहा कि पारसी गुजरात के किनारे आए थे, जैसे कि जिसका कि गृह मंत्री ने जवाब भी दिया, लेकिन विपक्ष को यह भी जान लेना चाहिए कि पारसी भी प्रताड़ित होकर आए थे। जब उन्हें ईरान से भगाया गया, उनका पारसी धर्म खतरे में आया, तब भारत ने उन्हें शरण दी थी, और आज भी जो धर्म खतरे में आया है, जिनके अपने परिवार प्रोटेक्शन करना था वो भारत में आए हैं, उन्हीं को शरण सरकार दे रही है। यानी विपक्ष का तर्क यहाँ पर भी मुझे लगता है उसी के खिलाफ बैठता है। हालांकि मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए, लेकिन कुछ मुझे लगता है ऐसे। दूसरी बात, विपक्ष ने संसद में यह भी कहा था कि सावरकर की टू नेशन थ्योरी है। वैसे इस विवाद में नहीं जाना चाहिए, लेकिन जिंदा की टू नेशन थ्योरी का प्रसार हुआ देश के विभाजन कांग्रेस ने क्यों स्वीकार किया, रोका क्यों नहीं, ये विपक्ष को बताना चाहिए, क्योंकि उनकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। अब बात श्रीलंका की कर लेते हैं, क्योंकि विपक्ष ने कहा कि श्रीलंका को क्यों नहीं दिया गया, अब उसकी भी मैं आपको बता देता हूँ। बात श्रीलंका की करते हैं तो अलग अलग समय पर अलग अलग तरह से नागरिकता दी गई, जैसे विभाजन के बाद सभी को दी गई। 1971 में बांग्लादेश से आए उन्हें नागरिकता दी गई, श्रीलंका में 1959 में जो बांग्लादेश आए उन्हें नागरिकता दी गई, तमिलनाडु में जो भाई श्रीलंका से आए उन्हें नागरिकता दी गई, 300,000 लोगों को उनकी प्राकृतिक बुद्धि के साथ नागरिकता दी गई। अब श्रीलंका के साथ साथ लाल बहादुर शास्त्री भंडारकर नायक के बीच 1964 में जो 1964 में समझौता हुआ था, उसके साथ भारत सरकार ने 5.25 लाख यानी कि 5.25 लाख लोगों को कुद्दी के साथ 1979 में नागरिकता दी थी। उसके बाद शेष रह गए 1.5 लाख लोगों को सरकार के समझौते के साथ या तो वहाँ जाएं या इधर जाएं या उधर जाएं का ऑप्शन दिया गया था, जिसमें 75,000 लोग उधर गए थे, 75,000 लोग इधर आए थे। अब ये श्रीलंकन और तमिलों को नागरिकता दी गई, तब बांग्लादेश वालों को नहीं दी गई थी, पाकिस्तान वालों को नहीं दी गई थी, युगांडा वालों को नहीं दी गई थी, बांग्लादेश वालों को नहीं दी गई थी, अफगानिस्तान वालों को नहीं दी गई थी। हर बार ऐसा जो किया वो एक किसी प्रॉब्लम के तहत किया गया, क्योंकि जब भी कोई प्रॉब्लम आती, जब भी इस तरह के फैसले लिए जाते हैं, और होता तो देश हित में ही है, अब सियासत उसको किस मोड़ पर ले जाती है ये मुझे लगता है कि कहना बड़ा मुश्किल है। और सियासत इस देश में हमेशा होती आई है, होती रहेगी, हर कोई अपनी राजनीति के लिए, अपनी वोट बैंक के लिए यहाँ पे सबको जायज मान के चलते हैं। अब आगे चलते हैं, जब भारत नागरिकता के बारे में कोई इंटरवेंशन हुआ, एक बेसिक प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हुआ, युगांडा के लिए जब मान्यता दी गई, तब देश भर से आए, दुनिया भर से आए सारे लोगों को मान्यता नहीं दी गई थी, सिर्फ युगांडा से आए लोगों को मान्यता दी गई थी, इसलिए इस बारे में तीन देशों से लघुमति आई है उन्हें मान्यता दी गई है। जब बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान की माइनॉरिटी की बात करेंगे, और तीन राज्यों का धर्म जब इस्लाम होगा, तो वहाँ के इस्लामिक लोग कैसे माइनॉरिटी हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ संविधान का प्रोविज़न ऐसा है जो मुस्लिम को माइनॉरिटी का स्टेटस नहीं देता, मैंने आपको पहले ही बताया है। इसलिए इस देश में इतने सारे मुसलमान हैं, उनके साथ यहाँ कोई भेदभाव नहीं होता, लेकिन हिंसा और हंगामा करके पिक्चर ऐसी बनाई जा रही है कि जैसे मुसलमानों पर कितना अत्याचार हो रहा है। वहाँ के संविधान के हिसाब से अनुयायी वहाँ के माइनॉरिटी नहीं है, इसलिए उन्हें यहाँ नागरिकता नहीं दे रहे। अगर वो माइनॉरिटी होते तो उनको भी स्वीकार किया जाता है, जैसे कि गृहमंत्री ने संसद में कहा भी था। अब सवाल रोहिंग्या मुसलमानों का है। रोहिंग्या लोग कई देशों के लोग वाया बांग्लादेश आते हैं, जो सेकुलर देश है, उन्हें स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि आने वाले समय में आपने देखा होगा रोहिंग्या मुसलमानों का हमेशा बैक करेक्टर बिल्कुल ख़राब रहा है, आंतरिक सुरक्षा के लिए उनको अपनाना मुझे लगता है कोई ठीक भी नहीं है। क्योंकि विपक्ष ने कहा था कि ये तीन देशों के लिए क्यों किया जा रहा है, चीन के लिए क्यों नहीं किया जा रहा है, नेपाल के लिए क्यों नहीं किया जा रहा है, लंका के लिए क्यों नहीं किया जा रहा है, म्यांमार के लिए क्यों नहीं किया जा रहा है, जबकि विपक्ष भी जानता है कि जब इस देश में कोई फैसला लिया गया है तो किसी न किसी एक निश्चित परिस्थिति के आधार पर हुआ है, किसी निश्चित समस्या को हल करने के आधार पर हुआ है। ये अभी बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से जो रिलीजन माइनॉरिटी आए हैं उनके लिए निर्णय है, इसलिए किसी के साथ उसका सवाल हो ही नहीं सकता।
दूसरी बात नेपालियों की बात है, अब नेपालियों की सुन लीजिए। नेपालियों की जहाँ तक बात है, 31 जुलाई 1950 को आप याद कीजिए, भारत नेपाल शांति और मैत्री संधि हुई। नेपाल के प्रधानमंत्री मोहन शमशेर जंग बहादुर राणा और भारत के राजदूत चंद्रशेखर नारायण सिंह ने संधि पर हस्ताक्षर किए, जिसमें तय हुआ अनुच्छेद 7 के तहत देश दोनों देशों को अपने क्षेत्र में नेपाल के नागरिकों को निवास, संपत्ति, व्यापार, वाणिज्य जैसे कई अधिकार देने की सहमति हुई थी उस समय पर। और नेपाली नागरिकों की अर्जी के आधार पर आज भी नागरिकता उन्हें देश के अंदर मिल रही है, भारत के अंदर नेपाली को आज भी मान्यता मिल रही है। अब असम की हिंसा के पीछे का कारण आपको बता देता हूँ। आसाम समझौते के अंदर 1985 में समझौता हुआ। असम के मूल निवासियों को इस बात की आशंका कि कानून बदलने से बांग्लादेश से आए हिंदुओं को नागरिकता मिल जाएगी और ये बांग्लादेशी हिंदू असम के मूल निवासियों के अधिकार को चुनौती देंगे, डर अच्छा है उनका भी। आसाम के मूल निवासियों की संस्कृति, भाषा, परंपरा, रीति रिवाजों पर असर पड़ेगा, लेकिन अब असम के शरणार्थी इस चीज़ का बोझ नहीं उठा सकते, बांग्लादेशी आगे असम के अंदर रहे। नागरिक संशोधन बिल 2019 के तहत नागरिकता के लिए भारत में निवास समय सीमा 2014 तय है। एक प्रदर्शनकारियों का मानना है कि आसाम में 1951 से 1971 तक लाखों शरणार्थी आए, अब वह शरणार्थियों का बोझ नहीं उठा सकता। केंद्र सरकार ने नए कानून 1985 के असम समझौते के का केंद्र सरकार के नया कानून अब सी ए आया है, यानी कि जो अब नागरिकता संशोधन बिल, मैं आपको हिंदी में बता दूं, नागरिकता संशोधन बिल जो अब आया है, तो असम को ये खतरा सता रहा है कि 1985 असम समझौते का उल्लंघन होगा, क्योंकि उस समय असम समझौता हुआ था कांग्रेस के टाइम में, ध्यान रखिए। आगे बताऊँगा आपको, आगे अगली चर्चा हमारी एनआरसी पर होगा, एनआरसी में आपको ये सब कुछ बताया जाएगा। अब शरणार्थी को बोझ नहीं उठा सकते, तो ये मैं आपको बता दूँ कि 1985 में असम समझौता का उल्लंघन होगा ये माना, लेकिन कांग्रेस ने क्लोजर 6 को कभी अमल में लाने की कोशिश नहीं की थी, जबकि बीजेपी ने क्लोजर 6 में कमेटी बनाई है जिसमें ज़्यादातर लोग असम के ही हैं और वो कमेटी अब असम में काम कर रही है, जो असम के मूल निवासी जो असम के अंदर जो रह रहे हैं उनकी अधिकारों की चिंता करेगी। तो मुझे लगता है कि इसमें आसाम को ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, सरकार उनके लिए नया कदम उठा रही है और सरकार उनका ध्यान भी रख रही है, अगर कमेटी बनाएंगे तो ज़रूर कुछ ना कुछ उसका सलूशन निकलेगा। तो इसमें मुझे लगता है कोई इतना हंगामा या मार काट या तोड़फोड़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। खैर, अब नेहरू लियाकत समझौते के बाद देश के अंदर क्या क्या हुआ, जरा एक रिपोर्ट में आपको और बता देता हूँ। 2014 के मुताबिक 1000 लड़कियों का जबरन धर्म परिवर्तन किया गया और सिखों की नगरी, जैसा कि अभी भी हुआ नानकान साहिब में, जो पवित्र नगरी मानी जाती है सिखों की, और मानी नहीं जाती है, मेरा कहने का मतलब ये है कि वो है, वहाँ पर पुत्री जगदीप कौर का जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया। नाम इसलिए लेना जरूरी है कि जिससे पाकिस्तान की आँख तो खुले थोड़ा कि उसके यहाँ पर अन्यूटी के साथ क्या क्या अत्याचार हो रहे हैं। पूरी दुनिया के अंदर सिखों ने लड़ाई लड़ी, भारत के लोगों को लड़ाई लड़ी और भारत में वापस लाया गया, भारत के लोगों ने ये लड़ाई लड़ी और उसको भारत में वापस लाया गया। यूएनएचआरसी की रिपोर्ट ये भी बताती है कि अब सिर्फ 20 ही धार्मिक स्थान है अन्य धर्मों के पाकिस्तान के अंदर बचे हैं। ये क्या है, इसका जवाब यही भी मुझे लगता होनी चाहिए सरकार की है, सरकार के लोगों की है, राजनेताओं की होनी चाहिए। जब इतनी प्रताड़ना हो, इतने अत्याचार हो, हिंदुस्तान उसे शरण न दे क्योंकि वो हिंदू है, क्योंकि वो सिख है, लेकिन अत्याचार किस पर हो रहा है पाकिस्तान में, देखना चाहिए, समझ लेना चाहिए। चलिए 1947 की एक बार बात की लेते हैं, अभी और कर लेते हैं। 1947 में 23% आबादी पाकिस्तान में मुसलमानों की थी, जो सिर्फ 3.3% रह गई, बड़े अचंभे की बात है, यानी कि पाकिस्तान के अंदर मुस्लिमों की संख्या घट गई और बर्बरता, उत्पीड़न और संस्थागत अत्याचार से भागे सिख, हिंदू और ईसाइयों ने भारत में शरण ली है, उन लोगों को नागरिकता मिलनी चाहिए, ये देश को समझना चाहिए, देश की जनता को समझना चाहिए कि उनको ये नागरिकता मिलनी चाहिए। इसका विरोध मुझे लगता है देश के अंदर नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें कोई माइनॉरिटी पर कोई किसी तरह का कोई दबाव नहीं है,
अगर उन पर अत्याचार हो तो उन्हें कहीं तो समय मिलनी चाहिए। एक इंसानियत के नाते भी ये बनती है और कानून के नाते भी ये बनती है और देश का एक देश को देश की एक जिम्मेदारी भी है, तय होनी चाहिए। जब 1972 में बांग्लादेश बना, एक शांति और मैत्री ढाका में संधि हुई। इस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख मुजीबुर रहमान द्वारा हस्तांतरित हुए, उन्होंने हस्ताक्षर किए। जब तक देश की शेख साहब जिंदा रहे, जब तक संधि का अच्छे से पालन किया गया, उनके रहते किसी लघुमती यानी अल्पसंख्यकों पर अत्याचार नहीं हुआ। 1975 में शेख मुजीबुर रहमान की हत्या कर दी गई। वहाँ जो अत्याचार का दौर चालू हुआ, इसने वहाँ के धार्मिक अल्पसंख्यकों की रीढ़ की हड्डी तोड़ डाली। ज़्यादातर घटनाएं ऐसी हुई जो भोला और संयोजित हमले में अल्पसंख्यकों की, भोला यानी कि उप जिला वहाँ पर पड़ता है बांग्लादेश में, संयोजित हमले में अल्पसंख्यकों की महिलाओं की के साथ गैंगरेप किया गया, जो वहाँ के हमारे यहाँ के जो वहाँ रहते हैं उनको अल्पसंख्यक बोला जाता है। BNP खालिदा जिया की पार्टी आई गांधी जयंती के दिन। नोआखाली गांधी जी बंटवारा रोकने के लिए गए थे। उस दिन 2 अक्टूबर 2001 को भोला जिले के चारफ्यासन उप जिला यानी कि वहाँ पर उप जिला पड़ता है चारफ्यासन, करीब 100 महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाएं गांधी जयंती के दिन हुई बांग्लादेश में। लालमोहन उप जिलों में 1000 अल्पसंख्यक परिवारों पर हमला किया गया। अक्टूबर 1990 में 300 घरों में आग लगा दी गई। 1991 में बांग्लादेश में हिंदुओं की प्रतिशत 21 था, फिलहाल 7% रह गया। और न जाने कितने ऐसे मामले हैं जो ये जिससे सिद्ध होता है कि वहाँ पर हिंदू बौद्ध पारसी क्रिश्चियन और जैन लोगों पर अपने धर्म का अनुसरण जैन धर्म लोग अपने धर्म का अनुसरण नहीं कर पाए, इसलिए वे हिंदुस्तान आए। अब अफगानिस्तान की मैं बता देता हूँ, मेरा संवाद और थोड़ा छोटा है और थोड़ा सा छोटा रह गया तो मुझे लगता है इसको समझ लेना चाहिए, समझने की कोशिश करनी चाहिए। अफगानिस्तान में भी 1992 में 2 लाख सिख और हिंदुओं से ज़्यादा परिवार थे, लेकिन 2018 में सिर्फ 500 बच गए। पूरे देश ने देखा कि धार्मिक भवनों गुरुद्वारों और मंदिरों को नष्ट कर दिया गया। खुले में बनी दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति बमियान में बुद्ध की भव्य प्रतिमा को तोप के गोलों से दागकर तोड़ दिया गया। तालिबान में जब कहर ढाया गया तो वहाँ कहा जाता है कि वो सिख बौद्ध हिंदू और ईसाई जैन पारसी वे भारत आए। तालिबान में 1998 में एक फरमान जारी किया गया कि पूजा स्थल पे मंदिर में गुरुद्वारों में नहीं जा सकते। जो हिंदू लोग हैं वहाँ के अल्पसंख्यक है जो वहाँ पर वे गुरुद्वारों में नहीं जा सकते, मुसलमानों की आलोचना नहीं कर सकते। घर की पहचान के लिए घर पर पीले कपड़ा लगाना पड़ेगा, बड़ी अचंभे की बात है और मुझे लगता है कि इससे दुखदायी बात कुछ हो ही नहीं सकती, जिससे कि पता लगे कि ये गैर मुस्लिम घर है, इसलिए पीला कपड़ा वहाँ पर लगाना पड़ता था। घर की पहचान के लिए इतना अपमानित किया कि हिंदू सिख नॉन मुस्लिम महिलाएं बाहर नहीं निकलती हैं, जो एक पीला कपड़ा कंधे पर रखकर अगर वो घर से बाहर निकलेगी तो पीला कपड़ा कंधे पर रखना पड़ेगा क्योंकि वो मुसलमान नहीं है। इस तरह के वहाँ आदेश पारित किए गए। एक विशेष चिन्ह के साथ, एक विशेष निशान के साथ कपड़ा लगाना पड़ता था। अगर शुक्रवार को मस्जिद नहीं गए हर शुक्रवार को मस्जिद जाना पड़ता है, नमाज पढ़ो या ना पढ़ो मस्जिद जाना ज़रूरी है, वरना दंडित होना पड़ता था। हिंदू और सिख महिलाओं को बुर्का पहनना पड़ता था। इतनी सारी प्रताड़नाएँ झेलने के बाद नागरिक भारत आए, उनके मान्यता देने का ये नागरिक संशोधन बिल पास किया गया, जिसमें उनको मान्यता मिल भी रही है। तो मुझे लगता है कि कोई ऐसा देश के लिए नुकसानदायक ये बिल नहीं है और ना ही किसी माइनॉरिटी को नुकसान देने वाला ये बिल है, और इस पर विरोध हो रहा है, विरोध जायज है, विरोध होना चाहिए, लेकिन विरोध करने का आप अपना तरीका भी होना चाहिए। उसमें ये भी देखना चाहिए कि किस तरह से इस बिल को देश में पारित किया गया और इस बिल का विरोध किस स्तर पर कैसे होना चाहिए। अगर देश के अंदर इसका विरोध होगा तो ये देश के किस मुहाने पर लेकर जाएगा, लोगों के अंदर क्या कमानी पैदा करेगा जो देश के लिए घातक होगी। और जैसा कि आपने देखा
एक दूसरे के रिश्तेदारों में आकर लोगों ने हिंसा की, आगजनी की, इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं की कि पुलिस पर गोलियां दागी गई। तो ये सब चीज़ें अपने आप में देश की आंतरिक सुरक्षा में कहीं ना कहीं सेंध जरूर लगाती हैं, और ऐसा मुझे लगता नहीं होना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही, अगली बार फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।